मनाने जा रहा हूं। युगों से समाज पुरुष प्रधान रहा है और हमारा भारत देश भी पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस आधुनिक युग में स्त्रियों ने पुरुषों के समकक्ष आकर अपनी क्षमता और योग्यताओं का लोहा मनवाया। लेकिन फिर भी आज लाखों औरतें न जाने किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझ सिसकती रहती है। आज संध्या मां बनने वाली है और उसका पति घर के बाहर खुशखबरी सुनने के लिए बेताब है, तो चलिए देखते हैं विक्रम सिंह की इस उत्सुकता को। अरे भाई, मैंने सुना है विक्रम सिंह के यहाँ बच्चा होने वाला है। सुना तो हमने भी है भाई, देखते हैं लड़का होता है लड़की। लक्ष्मी आई है। अरे लक्ष्मी आई है, पनौती आई है, आगे ही देख भीड़ी हो गई। अब तो सारी उम्र तो देना ही देना पड़ेगा। आज इसको दो, कल उसके ससुराल वालों को दो। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं कि बेटी होते ही बाप की पगड़ी सर से हाथों में आ जाती है और उसकी शादी करते ही उसके ससुराल वालों के पैरों में। देखा आपने, बेटी होने पर श्रीमान विक्रम सिंह कितने परेशान हैं। शायद उन्हें बेटा चाहिए था, मगर भगवान ने उन्हें बेटी दे दी। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप सभी को बेटा ही क्यों चाहिए होता है, बेटी क्यों नहीं। बेटी का भी उतना ही महत्व है जितना कि बेटे का। अगर बेटा बेटी का अनुपात बिगड़ जाए तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। और हमारे समाज को चलाने में औरतों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपको तो पता है ना कि मैं एक्टिंग सीखने जाती हूँ, और आप तो जानती हो ना कि मैं एक हीरोइन बनना चाहती हूँ। जब भी मैं टीवी पे फिल्में देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन भी इसी सब के लिए बना है। मगर बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितनी बार मना किया ये सब करने से, मगर तुम फिर भी नहीं मानती। माँ, तो क्या तुम अपनी बेटी के सपने सच होने में उसकी मदद नहीं करोगी? माँ तो अपनी बेटी की सच्ची सहेली होती है ना, तो क्या तुम अपनी दोस्ती नहीं निभाओगी? हाँ जुबी, वो मैं रस्ते से आ रही थी
तो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा कर आई हूँ। शुक्र है तुम ठीक ठाक पहुंच गए। क्या कभी किसी ने तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की है? नहीं, किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं किया है, बल्कि लड़के मुझे देखकर कहते हैं बहन जी आ गई, उल्टा मेरा ही मजाक बनाते हैं। शुक्र है मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, लड़की की खूबसूरती ही उसका सिर दर्द बन जाती है, और ना जाने कितने ही ऐसी अटैक की घटना होती रहती है। लड़कियां खूबसूरत हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। चल अंदर चलते हैं, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, आ जा। किस प्रकार समाज में कुछ असामाजिक लोग समाज को गंदा करते हैं। यदि आप लोग किसी की बहन या बेटी को छेड़ेंगे तो कोई आपकी बहन या बेटी को छेड़ेगा। इस प्रकार की गंदी सोच, गंदी आचरण समाज के लिए बुरी है। ऐसी सोच और कुकर्म का नाश होना चाहिए, तभी जाकर हमारी बहन बेटी कहीं आजादी से आ जाए। मगर मैं क्या करूं, जब मेरी
मेरी बेटी को एक्टिंग करना पसंद है, वो एक हीरोइन बनना चाहती है, तो उसे बनने क्यों नहीं देते? उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है और मैं उसके साथ हूँ। दुनिया का क्या है, दूसरों के दामन में झांकते हैं, अपने दामन को नहीं देखते। अपना खून खून और दूसरों का खून पानी। थैंक यू मां। लो आ गई साहबजादी, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है मेरा, और यहां मेरी बच्ची के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और तुम दोनों अपनी ये चीज छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक बार पता चल जाए कि वो उसकी कौन सी सहेलियां हैं जो उसे बहका रही हैं, उनकी तो खैर नहीं। औरतों को भोग की वस्तु समझ जाता है, जिन्हें घर की चार दीवारी में बनकर घर का सारा काम करवाया जाता है, और यदि वो अपनी परिस्थितियों के तहत घर से बाहर जाकर काम करती है तो उन्हें भला बुरा कहा जाता है। हमने सब किया जाता है कि उनका किसी ना किसी से अनैतिक संबंध होगा, और यदि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर काम करना चाहती है तो भी उन्हें भला बुरा कहा जाता है और उनके सामने विरोध की दीवार खड़ी कर दी जाती है। कुछ कर रही हूँ अलीसा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें बिना बताए ही मुंबई भागना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे चाचा मुझे कभी जाने नहीं देंगे। हाँ जूही, तुम ठीक कह रही हो। मेरे पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया और माँ को भी डांट रहे थे, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार उसकी सहेली का पता चल जाए जो उसे ये सब करने को कहती है। लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे भी अपने सपनों को सच करना है। मैंने तो मन बना लिया है, मैं चुपचाप मुंबई भाग जाऊंगी और अपने सपने को सच करके दुनिया को दिखा दूंगी कि ना तो ये लाइन गलत है और ना ही मेरी सोच। अगर गलत है तो उन लोगों की सोच जो एक लड़की से उसकी आजादी को छीनते हैं। हम दोनों कल स्टेशन में मिलेंगे और वहां से अपने सपने सच करने निकल पड़ेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि हम दोनों में से कोई एक ना आ पाया तो दूसरे को रुकना नहीं है, नहीं तो हम दोनों का जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जुमी, तुम ठीक कह रही हो, हमें एक दूसरे की सपने की कद्र करनी चाहिए। इससे पहले कि हमारी पोल खुले हम दोनों को चुपचाप भाग जाना चाहिए। और हाँ, अगर कल हम में से कोई एक नहीं आएगा तो दूसरा उसका इंतजार नहीं करेगा। ठीक है जुमी, अब मैं घर चलती हूँ। नाचेगी, गाएगी, हीरोइन बनेगी, चल ना चल 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 चल।